अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा। शिवगन्ना माता नर्मदा की ये महत्व कथा मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूँ। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। युगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी के कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। जटी जी के संग नर्मदा जी के किनारे किनारे चल रहा था। मैंने देखा सामने विंध्याचल की पर्वतमालाएं घनघोर जंगल में ढकी पड़ी थे। मिलभर चलने के बाद मुझे सिर के पंजे के निशान मिले। थोड़ी दूर चलकर और अनेक खुखार दरिंदों के पंजे के निशान दिखे। जटिया जी ने उनकी पहचान कराई। इधर देखिए, ये निशान है चीते की पंजे की और यह है हिरन की, वगैरह वगैरह। क्या आपको डर लगता है? मैंने बोला, डर काहे का, ज्यादा से ज्यादा मेरी मौत होगी। सो मैं तो पहले से ही जान की बाजी लगाकर परिक्रमा पर निकला हूं, डर किस बात के? सामने की चट्टानों के बीच से एक नदी कलकल करती हुई पत्थरों को भेद कर बह रहे थे। ये मैंने पहले नहीं देखा था। फिर राह के एक मोड़ पर आते ही वो दिखाई दी। जटिया जी बोले, ये नदी है करगंगा, इसको करगंगा कहलाते हैं। इसके किनारे आपको एक कस्बा मिलेगा जिसे करमंडल कहते हैं। करमंडल से 4 मील और आप आगे चलने पर आपको मिलेगा करंजिया। करंजिया से चढ़ाई आपको मुड़िया महारण्य यानी कि मुंड महारण्य तक आपको पहुंचा देगा। उधर नर्मदा जी का जो घाट मिलेगा वही है सरजादी का घाट। आप उस घाट में देखेंगे एक त्रिशूल है जो करीब 12 फुट लंबा है। गुरु परंपरा मैं सुनते आया हूं ये त्रिशूल महर्षि चवन जी का है। मैंने पूछा, ये करगंगा कहां से आ रही है? हाँ, करगंगा भृगु कमंडल से, नर्मदा जी की सहायक नदी है। अब जटिया जी ने विदा ली। उन पर गुरुजी का आदेश था सरजदी का मार्ग दिखा देना, सो वो गुरुजी का आज्ञा का पालन कर चले गए। अब मैं बिल्कुल अकेले था। अंदाजन दिन के 10-11 बजे होंगे। मैं बहुत तेज चलने लगा। अब तक जटिया जी बराबर बात कर रहे थे, सो मुझे सोचने का कुछ मौका नहीं मिला था, मगर अब नाना प्रकार की चिंताओं ने मन को घेर लिया। विदाई के पहले कपिलाश्रम की वृद्ध महात्मा ने सजल नेत्रों से किस बात की घोषणा की थी, ये मैंने क्या सुना था? 70 वर्षों से भी अधिक काल इस नर्मदा पर बिताकर सत्यवादी तपस्वी ने अपने भावावेश में मुझे बता दिया था कि जब मैंने झरने के ऊपरी भाग से नीचे की ओर लुढ़क कर गिर रहा था और उस समय मेरे गिरते शरीर से टकराकर कितने ही बड़े बड़े पत्थर बड़े जोर जोर से धमाके के साथ उनके आश्रम की चारों ओर बरस रहे थे, तब उन आवाजों से खिंचकर उन्होंने देखा बिजली के रंग की एक देवी ने जिन्होंने हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा था मेरा हाथ पकड़कर आश्रम के आंगन में ठीक उसी तरह लिटा दिया था जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को परम स्नेहवश बिस्तर पर सुला देती हैं। ये सिद्ध तपस्वी साधु महात्मा थे। झूठ बोलना या झूठ आचरण करना तो उनके सपने की अगचर की बात थी, इसमें कोई संदेह नहीं। कैसे रोमांचपूर्वक उन्होंने अपने अलौकिक दिव्य दर्शन की घटना कितनी सरलता से घोषित कर दी। और फिर स्वयं में थके हरे बेजान शरीर को लेकर जब नीचे तेजी से लुढ़क रहा था, तब बेहोशी के पहले मैंने देखा था किस तरह मेरे चारों ओर बिजली तड़प रही थी और उसकी चमक में कैसे क्षण भर के लिए उद्भासित हो गई थी मेरे पिताजी का दिव्य ज्योतिर्मयी आकृति। उस पल मैंने अपने पिताजी के अलावा अन्य किसी दैवी सत्ता का दर्शन नहीं किया था।
ऋषि बाबा अपने भक्ति के साथ जैसे वर्णन कर रहा था उसमें से बिल्कुल साफ था कि वो महाविद्या महाकुमारी नर्मदा जी की बात कर रहे थे। मैं अभी तक अपने मन में ये नहीं स्वीकार कर सका था कि रेबा नाम एक महासिद्ध मंत्र है। मैं ये भी नहीं मानता था कि नर्मदा परिक्रमा करना ईश्वर की तपस्या की एक अंग है। मैं केवल अपने पिताजी के कहने से, पिताजी ने कहा था नर्मदा के उद्गम स्थल से समुद्र संगम तक उनकी परिक्रमा करनी है, बस इसी आदेश का पालन करने के लिए मैं परिक्रमा पर आया था। इसमें पिताजी के प्रति मेरी भक्ति, मेरा प्रेम ही झलकते हैं। यहां नर्मदा माई के प्रति भक्तिवश में नहीं आया था मैं। क्या यही कारण था माता नर्मदा जी ने मुझे दर्शन नहीं दिया? इसी सोच में मैं अपनी भावनाओं में विभोर मैं अपनी राह चलता जा रहा था। अचानक केका केका की तीव्र रट लगातार सुनाई दी। मैं चौंक उठा। मोरों का एक भारी झुंड पेड़ों से उछलकर पहाड़ी रास्ते पर झपाझप उतर आया। उनसे कुछ दूरी पर अपूर्व सुंदर और मनमोहक हिरण के एक झुंड पहाड़ी ढाल पर घास चर रहे थे और कुछ दूरी पर पहाड़ी ढलान पर मैंने कुछ झोपड़ियां देखा। लगा कि यही करंजिया गांव था। शायद दोपहर का एक बज गया था। बहुत भूख लगी थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के तले मैंने अपनी गांठरी रखी, अपना वस्त्र उतार दिया और गांठरी से नारियल की खोपड़ी निकालकर उसमें पानी साबूदाना और मिश्री मिला दिया। मेरे पास यही एक अकेले बर्तन था। इसके बाद मैंने नर्मदा जी में स्नान किया, नर्मदा माता को मिश्री साबूदाना का भोग लगाया और तब मैंने उस प्रसाद को खुद ग्रहण किया। कोपिनादि की वेशभूषा मैंने दोबारा पहन ली। यात्रा शुरू हो गई। थोड़ी दूर चलने पर मैंने एक नौजवान को अपनी ओर आते देखा। वो गोरा चिट्टा था और उसके बदन पर जनेऊ था। उसके हाथ में एक बड़ा सा फरसा था। वो लकड़ी का भारी बोझ उठाए मेरी ओर आ रहा था। सुमेधदास जी ने पहले बताया था कि अगर इधर का कोई निवासी गोरा चिट्टा निकले जो उनके शब्द में पीला सा कहलाता है तो समझना वो गोड़ जाति में राजपूत या ब्राह्मण होगा, और अगर वो अबनुस की तरह काला निकले तो समझना कि वो भील या कोई दूसरा आदिवासी है। नौजवान पास आकर बोला, क्या आप परिक्रमाकारी है? फिर दूर की बस्ती को दिखाकर उन्होंने बोला, वो सामने है करंजिया, रात में आप वही ठहर सकते हैं। जब मैंने उसे सरजती घाट के बारे में पूछा तो पहले मेरी और कुछ शक पका कर देखने लगा। बाद में बहुत दूर ऊंचे पहाड़ और जंगल की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बोला, मुड़िया महारन है, मुड़िया महारन। नमस्ते कर वह तेजी से अपनी राह पर चल दिया। मैं भी घूर जंगल और पर्वत को अपने सामने रखकर अपनी राह हो लिया। घंटे भर चलने के बाद चढ़ाई मिली, मगर नर्मदा नदी का कहीं आता पाता नहीं था। मैं परिक्रमा कार्यों की पागडंडी पर चलता रहा, मगर कहां थी नर्मदा माई? मुझे याद आई पुराण की कथा कि जब कामोत्तेज देवता नर्मदा माता का पीछा कर रहे थे तब माई ने झटपट नदी का रूप धार लिया और घनी झाड़ियों के बीच कभी दृश्य तो कभी अदृश्य होकर बहने लगे। इसी तरह वो कभी पहाड़ी पत्थर वेधकर दिखती, कभी नहीं दिखते। इस आंख मिचोनी में देवताओं ने देखा कि कभी वो सामने खड़ी हैं तो कभी कोसों दूर। इस तरह नर्मदा माई उन्हें चौंकाने लगी। लगता है कि लोगों को चौंकाने की ये आदत माता जी को अभी तक नहीं गई। मैंने परिक्रमा की शपथ ली थी, ठहरने का सवाल तो नहीं। समय धुंधली पागडंडी से राह बनाता हुआ चढ़ाई दर चढ़ाई तय करता गया। इस बीच जंगल भी सघन होता गया। मैं देख रहा था कि आकाशचुंबी वृक्ष समूह किस तरह मुझे चारों ओर से घेरते जा रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जहां वो गोर युवक मुझे मिला था वो जगह बहुत दूर नीचे की ओर दिखी, यानी मैं वहां से बहुत ऊंची चढ़ाई पर आ पहुंचा। सूरज पश्चिम में ढल रहा था। अस्तगामी सूरज की लाल किरणों ने सारी वनभूमि, पर्वत और वनस्पति को अपने एक रंग में रंग दिया था। मैं तो इसी राह पर चढ़कर यहां पहुंचा था, मगर मैंने इससे पहले प्रकृति के इस अनूठे सौंदर्य पर गौर नहीं किया था। अब मैं बड़ी सावधानी से राह चलने लगा। टेढ़े मेढ़े पेड़ों और पत्थर समूहों को पुलों की लांघता हुआ ठोकर खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। जिस धुंधली पागडंडी पर मैं चल रहा था वो शायद युग युगांतों से राह चलते परिक्रमा कार्यों के पाग चिन्हों से बनी होगी, या फिर पहाड़ की ऊंची चोटी से जो आदिवासी लकड़ी इकट्ठा करते इधर आते जाते हैं
हो सकता है कि उनके आने जाने से भी ये अस्पष्ट रेखानुमा पगडंडी बन गई हो। मैं घोर जंगल के जठर में घुस गया। बाहर सूरज अस्त हो गए थे कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर अंदर काले अंधेरे ने मानो मुझे निगल लिया। लगता था मैं जिस टेढ़ी मेढ़ी धुंधली पगडंडी से चलता आया हूँ मानो वो उसी अंधेरी राक्षसी की माया जाल थी। अपने लाठी ठोकता हुआ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक सामने वाली झाड़ी के सांखे जोर जोर से हिलने लगे, मानो कोई जानवर दौड़ कर चला गया। थोड़ी देर मौन के साथ मैं स्थिर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गति इतनी धीमी थी कि इसे चलना नहीं कहते। मैं अंधेरे में अंदाज से अपने पांव घसीट रहा था। अगर मेरा डंडा किसी पत्थर से टकराता तो मैं ठिठक कर रुक जाता, और अगर किसी पेड़ के तने से जा लगता तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता। मन ही मन मैं भाई से बहुत सिहर रहा था। अश्विन की इस ठंड में, इस जंगल में मुझे पसीना छूट रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर रात की पड़ाव मैं करंजिया में डाल लेता तो कितना अच्छा होता। अचानक घने पत्तों के अंधेरे में मैंने देखा कि चांदनी की मंदिर रोशनी फूट निकली है। मैं यहां बड़ी बड़ी चट्टानों या पेड़ों के तने का आभास पाने में समर्थ हो रहा था। क्या ये सांझ बेला या टू लाइट थी, यानी कि सूर्यास्त के समय विशाल पेड़ों के सिरों ने जिस आलोक राशि को अपने अंदर संजो लिया था, अब उन्हीं का प्रतिबिंब मुझे दिखाई पड़ रहा था। मगर एक भयभीत राही कैसे इन बातों की तय खोजता। उस पर तो यही धुन सवार था कि जितनी जल्द पड़े इस धूमिल प्रकाश में वो जल्द से जल्द अपना फैसला तय कर ले। अचानक मुझे एक जीर्ण शीर्ण और पुराना मंदिर दिखाई दिया। मैंने देखा उस खंडहर के दरवाजे गायब थे। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर दाखिल हुआ कि गुप्त अंधेरा छा गया, तो मैंने अपनी गाठरी से टॉर्च निकाली और उसके प्रकाश में मैंने देखा सामने ही एक शिवलिंग विराजमान है। जी नहीं चाहा कि इस डेरों को छोड़कर आगे राह चलता जाऊं। मैं कोई दरवाजा नहीं था। मंदिर की पुरानी दीवार जगह जगह से टूट गई थी। बाघ, चीता, लकड़बग्घा या सांप, हर एक के लिए दरवाजा निर्बाध खुला था। सुरक्षा का कोई सवाल नहीं था। मगर उस घोर जंगल और गुप्त अंधेरे में मुझे ये मंदिर ही एक बड़ा सुरक्षित दुर्ग सा लगा। इन शिव जी का पूजा कोई कभी करता है ऐसा नहीं लगा। मैंने अपना आसन शिव जी के पूर्व की दीवार से सटकर लगाया। अगर मंदिर के अंदर कोई आया तो सबसे पहले उसके सामने शिवलिंग ही पड़ेंगे। मानो शिव जी मेरे रक्षक थे। उस समय कमंडल से थोड़ा जल पीकर मैं कुशासन पर लेट गया। नींद आती कैसे, भय के मारे मेरे गला सूख रहा था। विश्व चराचर स्तब्ध था, एकदम मौन था। सहसा गुम गुम गुर गुर की जी दहलने वाले भयंकर हुंकार ध्वनि से मेरा कान फाड़ दिया। ये दहशत भरी चिल्लाहट सारे जंगल में फैल गई। समूचे जंगल में हलचल मच गई। कितने ही जंगली जानवर इस मंदिर के चारों ओर से सरपट दौड़ लगाकर भागते हुए निकल गए। उनके खुरों की खटखटाहट मेरे डर को 100 गुना बढ़ा रही थी। कमंडल की बाकी जल से मैं सूखते गले को भिगाना चाहा। मैंने अपने आप को सिर से पांव तक ढक लिया और दाहिने हाथ से शिवलिंग को कसकर पकड़ रखा। मैंने सुना था विंध्याचल के जंगलों में शेर, चीता आदि भयंकर पशुओं की कभी कमी नहीं है। कमल से अपने मुंह को ढककर मैं बच्चों की तरह कल्पना करने लगा कि कोई मुझे नहीं देख पाएगा। सच में डर के मारे मैं अब वही करने लगा जो मैंने अब तक नहीं किया था, अर्थात बड़े बड़े संत महात्माओं के बार बार विनतियों और आदेश के बावजूद मैंने रेवा जप करने से इनकार कर दिया था। मैं अब जपने लगा, रेवा रेवा, कब आंख लग गई मुझे नहीं मालूम। इस एपिसोड को यहां पर विराम देता हूं। आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मां नर्मदा की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगा इसी चैनल पर। आप अच्छा रहिए, सुस्त रहिए और भक्ति मार्ग में रहिए। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। नमस्कार।